मंगल की अगर एक ट्रिकी पोजीशन के बारे में बात करें तो वो होती है मंगल इन द सेकंड हाउस, यानी कि मार्स दूसरे घर में बैठा हो अगर आपकी कुंडली के अंदर। देखिए ये बहुत ज्यादा ट्रिकी प्लेसमेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पे मंगल दूसरे घर में बैठ के, यहाँ पे बैठ के मंगल नो डाउट बहुत ही ज्यादा अच्छा बिजनेसमैन बनाता है। ऐसे लोग पैसे को घुमाने में एक्सपर्ट होते हैं, परंतु यही प्लेसमेंट मैरिड लाइफ के लिए बहुत ही गलत मानी जाती है। मैरिड लाइफ बहुत ज़्यादा सफ़र करती है जब आपका मंगल दूसरे घर में है, और साथ के साथ हार्ट डिजीजेस, लंग्स के रिलेटेड डिजीजेस बहुत ज़्यादा होती है ऐसे जातकों को। तो एक बहुत ही ट्रिकी प्लेसमेंट है मंगल इन द सेकेंड हाउस। इसके बारे में इस वीडियो में डिटेल में डिस्कशन करेंगे, किस किस राशि में कैसे फल देगा मंगल अगर दूसरे घर में बैठा है, और कौन से एरियाज आपके लाइफ के ऐसे हैं जो मंगल डायरेक्टली इंपैक्ट करता है यहाँ पे बैठ के। हम मंगल की चौथी, सातवीं और आठवीं दृष्टि, जो तीन दृष्टियां होती हैं, वो भी डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। आइए सबसे पहले ये जानते हैं कि मंगल की एनर्जी होती क्या है, मंगल होता क्या है। देखिए मंगल सबसे पहले आपने ये समझना है एक मैलेफिक प्लैनेट है, मैलेफिक प्लैनेट है जो ज्यादा सोचता नहीं है, सिर्फ करने में बिलीव करता है, उसके बाद जो मर्जी रिजल्ट आए, चाहे पॉजिटिव रिजल्ट आए चाहे नेगेटिव रिजल्ट आए, करने के बाद सोचता है। जहां भी मंगल आपकी कुंडली में बैठा होगा उस एरिया ऑफ लाइफ के लिए आप एक तरह से हाइपर होंगे या फिर एग्रेसिव होंगे, उसके बारे में ज्यादा सोचेंगे नहीं बट कर लेंगे। करने के बाद जो लोग सोचते हैं, जैसे डूअर्स होते हैं जो, उनका मंगल स्ट्रांग होता है कुंडली के अंदर। पर क्योंकि अगर आप बिना सोचे समझे कुछ भी कर लेंगे और बाद में उसकी कॉन्सिक्वेंसेस को लेना पसंद करेंगे, तो मोस्ट ऑफ द टाइम 70-80% ऑफ द टाइम आप फेल ही होंगे। एक तरह से आप सिर्फ तीर ही चलाई जा रहे हैं बट उसके रिजल्ट्स, कहां तीर लग रहा है वो नहीं देख पा रहे। तो इसीलिए ये बहुत ट्रिकी प्लेसमेंट होने वाली है मंगल इन सेकंड हाउस। उससे पहले एक और चीज समझते हैं कि दूसरा घर होता क्या है। देखिए जो सेकंड हाउस है एस्ट्रोलॉजी के अंदर, दिस हाउस, सेकंड हाउस एस्ट्रोलॉजी में आपकी इमीडिएट फैमिली का हाउस माना जाता है, यानी कि जब आप पैदा हुए आपकी फैमिली कौन थी, आपके मदर एंड फादर। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इमीडिएट फैमिली का हाउस सेकेंड हाउस होता है। दूसरी सिग्निफिकेंस सेकेंड हाउस की है जो आपकी एक्यूमुलेटेड वेल्थ है, टोटल वेल्थ, वेल्थ का मतलब पैसे भी आ गए, प्रॉपर्टीज आ गई, सब कुछ आ गया, आपका खजाना आ गया, आपके ज्वेल्स आ गए, लैंड आ गई, सब कुछ जो आपकी टोटल एक्यूमुलेटेड वेल्थ है वो सेकेंड हाउस से देखी जाती है। तीसरी चीज, अब क्योंकि सेकेंड हाउस एक तरह से फैमिली का हाउस माना जाता है, तो इवन फैमिली आफ्टर मैरिज, यानी कि मैरिड लाइफ को भी बहुत ज्यादा इंपैक्ट करता है दूसरा घर, और इवन बच्चों को भी, क्योंकि देखिए दूसरा घर आपकी फैमिली का है और जब फैमिली में एडिशन होगी, बच्चे आएंगे, वो भी दूसरे घर से सिग्निफाई होते हैं कहीं ना कहीं। नो डाउट बच्चे फिफ्थ हाउस से देखे जाते हैं बट स्टिल सेकेंड हाउस से भी बहुत इम्पैक्टफुल आपको रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं बच्चों के बारे में भी। तो सेकेंड हाउस ऑल इन ऑल चार चीजों को रिप्रेजेंट कर रहा है, आपकी इमीडिएट फैमिली यानी कि आपके पेरेंट्स या फिर आपके बड़े सिस्टर्स या बड़े ब्रदर्स, दूसरी आपकी एक्यूमुलेटेड वेल्थ, तीसरा आपका जो शादी के बाद फैमिली होने वाली है यानी कि आपकी वाइफ, इवन मैरिड लाइफ, और फोर्थ आपके बच्चे। ये चार चीजें हम मोटा मोटा आपके सेकेंड हाउस से देख सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि अगर मंगल अब यहाँ पे आके बैठ गया, यानी कि मंगल आपके सेकेंड हाउस में जाके बैठ गया, तो जैसे कि हमने डिस्कस किया सेकेंड हाउस आपकी इमीडिएट फैमिली का होता है, आपके पेरेंट्स का होता है, आपके फादर एंड मदर। तो यहाँ पे मंगल की एग्रेसिव एनर्जी आ गई तो एंगर इश्यूज तो आपको होंगे ही होंगे अपने पेरेंट्स के साथ। आप पेरेंट्स के ऊपर एंगर निकालने वाले व्यक्ति होंगे जिंदगी में, स्पेशली फादर के साथ थोड़ी सी कम बनेगी अगर सेकेंड हाउस में मंगल बैठा है। और क्योंकि हमने अभी डिस्कस किया कि मंगल सोचता नहीं है सिर्फ करता है, तो आप एंगर करने के बाद हो सकता है पछतावा हुआ आपको, बट करने से पहले आप बिल्कुल ही नहीं सोचेंगे, किसी और को डांटने से पहले, अपनी फैमिली को डांटने से पहले बिल्कुल ही नहीं सोचेंगे। तो बहुत ज्यादा एग्रेसिव एनर्जी सेकेंड हाउस में आके बैठ गई। इसमें और नेगेटिविटी की बात करते हैं। देखिए दूसरे घर में अगर मंगल बैठा हो और डेब्लिटेटेड यानी कि नीच स्टेट का हो, नीच स्टेट का कब होता है, जब चार नंबर राशि में बैठा होता है यानी कि कैंसर में बैठा है। अब अगर फोर नंबर राशि में मंगल बैठ गया दूसरे घर में, बहुत ही ज्यादा नेगेटिव हो जाएगा, आपको बहुत ज्यादा एंगर इश्यूज होंगे अपने घर के अंदर, अपने घर वालों के साथ, अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ। तो फैमिली मेंबर्स के साथ जो आपके टाइज होंगे, आपके रिलेशन होंगे, गलत होंगे वो लाइफ में। जब दूसरे घर में आपके मंगल बैठा है वो भी डेबिलिटेटेड स्टेट में, नीच की स्टेट में बैठा है यानी कि कैंसर या कर्क राशि में बैठा है, जैसे कि यहाँ पे, तो यहाँ पे सातवीं दृष्टि आपके आठवें घर पे देगा। देखिए एट्थ हाउस हमारा लार्ज इंटेस्टाइन और स्टमक का एरिया भी दर्शाता है,
तो मंगल दूसरे घर में बैठ के लार्ज इंटेस्टाइन से रिलेटेड, स्टमक से रिलेटेड और ब्लड से रिलेटेड, ब्लड सर्कुलेशन से रिलेटेड आपको हेल्थ इश्यूज जरूर देगा लाइफ में। मंगल अगर दूसरे घर में बैठा होगा और नीच की स्थिति में बैठा है, फिर से यानी कि चार नंबर राशि में बैठा है, कैंसर में बैठा है, साथ में दृष्टि से आपके आठवें घर को देख रहा है, एट्थ हाउस को सेवंथ दृष्टि से देख रहा है, एट्थ हाउस से हम आपके इन लॉज भी देखते हैं। इन लॉज आप लोगों के थोड़े से ईगोइस्टिक होंगे, आपकी इन लॉज से लड़ाई होने के बहुत ज्यादा चांसेस है, इस हद तक लड़ाई होने के चांसेस है कि आपका डाइवोर्स भी हो जाए, उस वजह से आपका डाइवोर्स भी करवा सकता है ये सेकेंड हाउस का नीच स्थिति में बैठा हुआ मंगल। इवन इफ ये फोर नंबर राशि में नहीं भी बैठा हुआ, अगर यहाँ पे कोई और भी राशि पड़ रही है, इवन देन बहुत ज्यादा कॉर्डियल रिलेशनशिप्स नहीं होंगे, ऐसा नहीं होगा बहुत ज्यादा खुशी खुशी मिलते हैं अपने इन लॉज से, फिर भी गलत रिलेशनशिप्स होंगे, चाहे उच्च का बैठा हो किसी भी राशि में बैठा हो। बट एक्सट्रीम नेगेटिविटी कब आएगी, जब नीच का मंगल बैठ गया। तो हमने ये देखा कि जब दूसरे घर में मंगल बैठा होगा, सातवीं दृष्टि से आठवें घर को इम्पैक्ट करेगा, आठवें घर में आपके इन लॉज आ गए, आठवें घर में आपकी हिडन वेल्थ आ गई, वेल्थ थ्रू मार्केट ट्रेडिंग, क्रिप्टोकरेंसी ट्रेडिंग या फिर लॉटरी सट्टा। तो यहाँ पे सेकेंड हाउस में मंगल बैठ के आपको बेफिजूल की मोटिवेशन देगा कि चलो सारे पैसे लगा देते हैं, सारे पैसे लॉटरी में लगा देते हैं, सारे पैसे सट्टे में लगा देते हैं, हम जीत जाएंगे, मतलब बेफिजूल की मोटिवेशन। क्योंकि हमने शुरू में डिस्कस किया कि मंगल सोचता नहीं है, वो सिर्फ करता है, करने के बाद रिजल्ट्स को देखता है। तो ये आपको बहुत ध्यान में रखना है, क्योंकि सेवेंथ एस्पेक्ट से आठवें घर को देख रहा है मंगल दूसरे घर से, तो आपने कभी भी जिंदगी में सारे के सारे पैसे, वो कहते हैं डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, सारे के सारे अपने पैसे एक ही जगह पे नहीं लगाने, आपके लिए बहुत नेगेटिव सिद्ध हो सकता है ये। इसके अलावा देखिए, अब अगर आपको ये मोटिवेशन मिल रही हो दूसरे घर में, अगर मंगल बैठा हो, आपको अंदर से ये जरूर मोटिवेशन मिलेगी चलो लैंड खरीदें या फिर चलो कंस्ट्रक्शन वाली लाइन में चलते हैं। जब तक आपने अपनी कुंडली में शनि चेक नहीं किया, मंगल यहाँ बैठा है बट शनि की प्लेसमेंट अगर आपने चेक नहीं करी और शनि अच्छी स्थितियों में नहीं बैठा, ये आपके लिए रिकमेंडेशन है, कभी भी भूल के भी रियल एस्टेट में पैसे मत लगाइए और भूल के भी कंस्ट्रक्शन लाइन में तो बिल्कुल भी पैसे मत लगाइए, पेट्रोल पंप में, कंस्ट्रक्शन लाइन में, रियल एस्टेट में पैसे बिल्कुल मत लगाइए अगर मंगल दूसरे घर में है। आपको शनि की स्थिति देखनी पड़ेगी, अगर शनि अच्छी स्थितियों में है ओनली इन दोस केसेस आपको रियल एस्टेट में घुसना चाहिए, अदरवाइज रियल एस्टेट जैसी इंडस्ट्री आपके लिए नहीं बनी। ऐसा नहीं है कि सेकेंड हाउस में मंगल सिर्फ नेगेटिव रिजल्ट्स ही देगा। देखिए मंगल अगर दूसरे घर में बैठा हो, अच्छे राशि में बैठ गया, सपोज उसका होके ही बैठ गया, तो अब क्योंकि इस मंगल की चौथी दृष्टि, एक दो तीन चार, चौथी दृष्टि से आपके पांचवें घर को देख रहे हैं, फिफ्थ हाउस से हम आपकी क्रिएटिविटी, आपके चिल्ड्रन देखते हैं, जब आपका बेबी होगा, आपका न्यू चाइल्ड बर्थ हुआ लाइफ के अंदर, उस टाइम पे क्योंकि चौथी दृष्टि या पांचवें घर पे आ गई, ऐसे लोगों का ये भी देखा गया कि यू टर्न हो गई लाइफ, एकदम से सब काम बनने लग गए, यानी कि लकी होते हैं इनके लिए चिल्ड्रन। दूसरे घर में अच्छी राशियों में अगर मंगल बैठा है, अगर आप बच्चे करेंगे उसके बाद आपका लक इन्हेंस होगा। तो चौथी दृष्टि से क्योंकि पांचवें घर को देख रहा है, चिल्ड्रन वाले हाउस पे भी इसका पूरा पूरा इंपैक्ट होता है, क्रिएटिविटी पे पूरा इंपैक्ट होता है। अगर अच्छी स्थितियों में बैठा होगा मंगल, आपका क्रिएटिव माइंड होगा, नए नए बिजनेस के आइडियाज आएंगे। अगर गलत स्थितियों में बैठा होगा, नीच का होकर बैठा होगा, कर्क राशि में बैठ गया फॉर एग्जाम्पल, तो आइडियाज आने में भी आपको प्रॉब्लम होगी, आप बहुत ज्यादा क्रिएटिव नहीं होंगे। तो अभी तक आपने ये डिस्कस किया, देखिए मंगल की तीन दृष्टियां होती हैं, अगर मंगल दूसरे घर में आपके बैठे, चौथी दृष्टि आ गई पांचवें घर के ऊपर, सेवंथ दृष्टि आ गई आठवें घर के ऊपर, और मंगल की एक आठवीं दृष्टि होती है जो आएगी अब नाइन्थ हाउस के ऊपर। देखिए नाइन्थ हाउस क्या रिप्रेजेंट करता है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवलिंग, राइट। तो क्योंकि अब आठवीं दृष्टि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवलिंग पे आ गई, ये भी दर्शाता है कि आपका जो बिजनेस है ना, वो कभी स्टेबल नहीं होगा, आप ना भटकते रहेंगे, आप ये सोचेंगे कि ये वाला बिजनेस बंद करते हैं, नया बिजनेस खोलते हैं लॉन्ग डिस्टेंस का, ये और जाके बिजनेस खोलते हैं, ऐसे थॉट्स आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा आएंगे। तो जब भी दूसरे घर में नीच का मंगल बैठ गया या फिर गलत राशियों में बैठ गया, आपको ऐसे थॉट्स देगा चलो आप बिजनेस चेंज ही कर लेते हैं, दूसरी कंट्री में जाके बिजनेस खोलते हैं। नो डाउट ये पोजीशन लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवलिंग के लिए अच्छी है, आप घूमेंगे फिरेंगे ज्यादा, बट आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि जो बिजनेस की स्टेबिलिटी है वो आपके हाथ में ही है, बिजनेस को बीच में ठप करके नया बिजनेस खोलने का मत सोचिए। ये मल्टीपल टाइम्स आपकी लाइफ में आपके ऊपर ऐसा प्रभाव आएगा, जब मंगल की दशा आ गई या मंगल अंतर दशा में आएगा, उस टाइम पे आप ऐसा जरूर सोचेंगे कि चलो बिजनेस चेंज ही कर लेते हैं,
तो उस टाइम पे खुद को कंट्रोल करके आपको ये सोचना है कि मैंने स्टेबिलिटी लानी है अपनी लाइफ में खुद। अब थोड़े बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं। देखिए सेकेंड हाउस का मंगल बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा अच्छा माना जाता है। नो डाउट मंगल यहाँ पे बैठ के आपके खर्चे ज्यादा डबाएगा, आपकी सेविंग्स नहीं होने देगा। बट ऐसे लोग जिनका मंगल दूसरे घर में होता है, एक तो बहुत रूथलेस बिजनेसमैन होते हैं, ये सिर्फ अपने फायदे के बारे में ही सोचते हैं बिजनेस के अंदर, और ये पैसों की रोटेशन में एक्सपर्ट होते हैं। यानी कि अगर ये ऐसा काम करें जिसमें ये पैसे रोटेट हो रहे हैं, यहाँ के पैसे वहाँ लगा दिए, वहाँ के पैसे वहाँ लगा दिए, इस तरह का बिजनेस इनको बहुत ज़्यादा सूट करता है। और एक इनको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, देखिए मंगल जब दूसरे घर में है, ये आपको ऐसी मोटिवेशन ज़रूर देगा कि चलो सारे के सारे पैसे मैं कहीं ना कहीं लगा दूँ। मतलब रिस्क टेकिंग एबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है, स्पेशली अगर अच्छे प्लैनेट्स आपके जैसे गुरु या फिर शनि अच्छी स्थितियों में नहीं है ना, तो ये मंगल बहुत प्रभावी हो जाएगा। उस टाइम पे ये आपके सारे के सारे पैसे किसी एक वेंचर में, किसी एक स्टॉक में, किसी क्रिप्टो करेंसी में लगवा के आपकी लाइफ का भट्टा भी बिठा सकता है। आपको ये ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए कि यहाँ पे रिस्क टेकिंग एबिलिटी आपकी है, बट आपकी फैमिली भी है, फैमिली का ध्यान आपने, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ऐसा ना करें कि आपने सारे पैसे कहीं पर लगा दिए, वो डूब गए और फुल लाइफ फिर आप सफरिंग में ही रहे। क्योंकि दूसरे घर का मंगल नो डाउट बिजनेसमैन अच्छा बनाता है, रुथलेस बनाता है, बट अगर आपने सारे के सारे पैसे डुबो दिए तो आप बिजनेस करेंगे कैसे। और उसके अलावा आपको दो चीज़ों को और ध्यान रखना चाहिए, एक तो अपनी मैरिड लाइफ को भी आपको खुद ही संभाल के रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे मंगल की स्थिति थोड़ी सी नेगेटिव है मैरिड लाइफ के लिए। और दूसरी चीज़, अपने जो इन लॉज हैं उनसे भी बना के रखिए। नो डाउट आपको इगोइस्टिक इन लॉज मिल सकते हैं, बट उनसे बनाना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ही है अपनी मैरिड लाइफ के लिए। और जब मंगल दूसरे घर में होगा यहाँ पे, उस टाइम पे ये भी सलाह दी जाती है कि आपको ज्वाइंट फैमिली में नहीं रहना चाहिए। आप ये प्रेफर करिए कि आप अकेली अपनी वाइफ के साथ अलग से ही रहें। अगर ज्वाइंट फैमिली में रहेंगे बहुत ज़्यादा लड़ाई होने के चांसेस हैं। तो नो डाउट मंगल दूसरे घर में मैरिड लाइफ के लिए नेगेटिव है, या फिर आपकी हेल्थ इश्यूज भी देता है, जैसे ब्लड रिलेटेड इश्यूज भी दे सकता है, इंटेस्टाइन रिलेटेड इश्यूज भी दे सकता है, स्टमक रिलेटेड इश्यूज भी दे सकता है। बट इसी दूसरे घर में ये बिजनेसमैन भी बहुत तकड़ा बनाता है। तो दोनों चीज़ें हमने डिस्कस करी, नेगेटिव्स एंड पॉजिटिव्स मंगल दूसरे घर के बारे में। अगर आपकी कोई डाउट्स हैं इस वीडियो पर कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।